बनाओ सब, ग्राम बनाओ सब, ग्राम बनाओ सब, ग्राम बनाओ सब, इसके साथ ही हमारे वो भी यही इसी इलाके के रहने वाले हैं, इनका भी सवाल किया जाए और यहाँ रजनीश शर्मा जी, ये तो बोल दिया मैंने, रजनीश शर्मा जी ये बैठे हैं, इनको मियां जी कहते हैं, ये पंडित मुखराम जी के बेटे हैं जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इनका भी वेलकम किया जाए। करण भगत जी बहुत ही एक्टिव विचारू हमारे दोस्त, एससी सेल के चेयरमैन हैं, यहाँ मौजूद हैं। कि जो आज बिछड़ा इलाके के अंदर जो उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा और मेरे सामने बैठी हमारी महिला शक्ति, बुजुर्ग और नौजवान साथी, मैं कुछ ना कहते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा, जो महिलाएं बीच में बातें करेंगे, एक मिनट मेरी बात, कि आपने जो विचार सुने हमारे नेताओं के, हमारे साथियों के, जिन्होंने महंगाई के बारे में, भाजपा की नीतियों के बारे में और कांग्रेस की क्या नीतियां थी उसके बारे में जो आपके बीच में अपने विचार रखे, आपसे यही गुजारिश करते हुए कि इनकी बातों को खासकर जिस जमात के साथ महिला शक्ति खड़ी हो और एक इतदार में आज कृष्णा के अंदर, तो मैं आप सबको वार्ता देता हूं शशि जी को, कि आप इनके विचार अपने इलाके तक पहुंचाएं, आपको क्या मुश्किल आ रही है उस चीज को लेके लोगों के बीच लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आप भी एक चीज हो, आप एक शक्ति हो जो एक क्रांति ला सकती है पूरे जम्मू कश्मीर की ओर खास करके जिस इलाके में आप रहते हैं। मैं इतना ही कहते हुए आपकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बैठे हैं सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की है, जो नेताओं ने भाषण दिए मैं एक एक लफ्ज उनके साथ उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन 1885 से जब कांग्रेस ने संघीय बुनियाद रखी दो चीजों पे ही जोर दिया, दलित समाज, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हों, बेरोजगारी को खत्म करने वाले उपाय यहाँ पे हों, हर व्यवसाय और महंगाई पे काबू मिटा रहे, इन्हीं सिद्धांतों पे चलते हुए आज भी आप देख लो कि सोनिया गांधी जी ने गांधी समाज से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदर बना लिया। हम सब लोगों के साथ आज जो यहाँ पे सरपंच हो, पंच हो, किसी को शिशु विकास की रिजर्वेशन मिले वो 73 अमेंडमेंट वो भी हमारी कांग्रेस की ही देन है, जिसके माध्यम से आज कई महिलाओं को, शिशु विकास प्राधिकरण के लोग हों, शिशु पहल के लोग हों, कांग्रेस ने एहसास किया जब भी पावर में यहाँ पे उन्होंने ही शिशु विकास डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, वहां से कंपनी बना दी, आज 9 साल से मैं हूँ यहाँ पे, लोगों की दिक्कतें हैं, मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथियों ने बातें यहाँ पे की आप लोग भी महसूस करते हैं कि 20 साल पहले जो कांग्रेस के लोग यहाँ पे थे, बिश्नाह का नाम था वहां पे, डेवलपमेंट थी, आज 20 साल लोगों ने भी सवाल इसका चक लिया कि दूसरी पार्टियों के लोग भी रहे लेकिन बिश्नाह को उस सदर पर ले गए थे, आज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो का बनना, तहसीलों का बनना, चाहे हरिया तहसील हो चाहे रिया तहसील हो, उसमें कांग्रेस का ही लोग है, क्योंकि कांग्रेस जम्मू में एक साझेदारी पार्टी के तौर पर यहाँ पे आई है। आपने विकास साहब का जिक्र किया, बिजली की समस्या को देखते हुए भाजपा में हम बिजली की समस्या को दूर करके पूरे कांग्रेस की यहाँ पे देन है, आज इतनी महिला शक्ति यहाँ पे है, मैं मैडम भूरी और तमाम उनके साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस प्रोग्राम की कामयाबी के आज महंगाई के बाद से सबसे ज्यादा भूजल गिरा तो वो महिला वर्ग में यहाँ पे गिरा,
क्योंकि जब दर का चुनाना चले तो पूरी अर्थव्यवस्था दर की खराब होती है। आप लोगों ने देखा कि शायद यहाँ की सरकार बनने के बाद किस दर से जो हमारी रिंग रोड थी मुआवजा किसी को किसी बराबर नहीं मिला, एक ही प्रभाव के दो आदमी को फांसी की शहादत देनी पड़ी। ये नतीजा ये किस वर्ग जिसके लिए हम सब लोग इकट्ठा हो गया है, आज हर जगह पे लोगों के हितों का समाधान नहीं, कहीं सरकार नहीं, दावे तो बड़े करते बार बार विदेशों में कौन सा पर्यटक जम्मू कश्मीर में आया, आज शिक्षा के 10 दिन 15 दिनों में लंदन में बैठे हुए सरकार काम कर रही है। एक रवाजा के तौर पर सरकार नहीं कर सकती जब तक हम चुनी हुई सरकार ना रहे, हमारे नुमाइंदे आम लोगों की मुश्किलों का समाधान कर रहे हैं। आज टारगेटिंग की नहीं है, सीमेंट की नहीं है। कांग्रेस ने आपके जितने भी ऐसी कम्युनिटी के लोग थे जो यहाँ पे पेचात लोग वंचित थे, लेकिन कांग्रेस ने पहल की कि यहाँ के लोगों को चाहे कश्मीर में बेचे लोग थे लेकिन नौकरी कर रहे थे, आज 150 दिन से भी ज्यादा उनको यहाँ पे अंबेडकर चौक में करने में बैठना पड़ा। सैलरी उनको नहीं, दबाव की राजनीति, लेकिन ये कांग्रेस के दौर में नहीं था। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका समर्थन मिले, हम दोबारा कांग्रेस की ताकत के साथ कांग्रेस का पश्चिम लगाए और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। आगे भी हमारा कैलेंडर जो है प्रोग्राम उससे फुल है, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से भीड़ कांग्रेस के प्रोग्राम में जुट रही है उस हिसाब से लगता है कि कांग्रेस की वेव अब दोबारा शुरू हो रही है, और जो बीजेपी ने वादे लोगों के साथ किए थे अच्छे दिन लाने के, गरीबी दूर करने के, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई ख़त्म करने का वादा किया था और डेवलपमेंट करने का वादा किया था, न्यू इंडिया बनाने का वादा किया था, तेल की कॉस्ट जो है वो कम करने का वादा किया था, डॉलर के मुकाबले में रुपये की वैल्यू बढ़ाने का वादा किया था। ये सारे वादे जो है बीजेपी के ख़त्म हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। आज आप देखिए बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में किस हद पे पहुंची है कि 35% मुल्क में सबसे ज़्यादा नंबर वन पे बेरोज़गारी अगर है वो जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे ये जो महंगाई की हालत है, जब बीजेपी 14 में आई थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर देती है, हम आपको 250 रुपये में देंगे, लेकिन आज 1200 रुपये का गैस सिलेंडर पहुँच गया है। इसी तरह से की तेल की कास्ट देखो, जो तेल की बोतल 50 रुपये में मिलती थी वो आज 200 रुपये में मिलती है। इसी तरह से जो चावल 10 रुपये किलो होता था कांग्रेस सरकार में वो आज 35 से 40 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो मिल रहा है। लोग जो है ख़त्म हो चुके हैं। इस सरकार ने खाली अमीर लोगों को और अमीर किया और गरीब लोगों को नींबू की तरह निचोड़ दिया, नोटबंदी करके, GST करके और महंगाई करके और बेरोजगारी देके।